हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा था माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटन बाय ब्रूकर टी वाशिंगटन, उसके तीन पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिए। आज फोर्थ पार्ट है, आज हम लोग इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो राइटर है वो स्कूल पहुँच चुका है, लेकिन वो काफ़ी दिनों तक स्नान नहीं किया, उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने और खाना नहीं खाया है, तो इसकी वजह से वो उसने अनुकूल प्रभाव अध्यापिका के ऊपर जो है नहीं डाला। अब हम लोग आगे देखेंगे। आई कुड सी एट वंस दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज अ स्टूडेंट। आई मैं कुड सकता था सी देखना एट वंस तुरंत दैट कि देयर वर थे डाउट्स संदेह इन में हर उनके माइंड दिमाग अबाउट बारे में विजडम बुद्धिमानी ऑफ काकी के एडमिटिंग प्रवेश देना मी मुझे एज अ स्टूडेंट विद्यार्थी के रूप में। तो राइटर कहता है कि मैं तुरंत देख सकता था कि जो अध्यापिका थीं उनके मस्तिष्क में मुझे एक विद्यार्थी के रूप में प्रवेश देने की बुद्धिमत्ता पर मुझे उनके मस्तिष्क में संदेह साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। फॉर सम टाइम सी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी नीदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर। फॉर सम टाइम कुछ समय तक सीवर डिड सा किया नॉट नहीं रिफ्यूज अस्वीकार किया एडमिट प्रवेश देना मैं मुझे नीदर ना तो डिड सा किया सीवर डिसाइड निर्णय किया इनमें माई मेरे फेवर पक्ष। कुछ समय तक ना उन्होंने मुझे प्रवेश देने से इनकार किया और ना ही उन्होंने मेरे पक्ष में कोई निर्णय दिया। आई कंटिन्यूड टू लिंगर अबाउट हर। आई में कंटिन्यू जारी रखा लिंगर एक टक्की लगाए देखा देखते रहना अबाउट हर। मैं जो एक टक्की लगाकर उन्हें देखता रहा एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज आई कुड माई वर्दीनेस कुड विथ माई वर्दीनेस एंड और इम्प्रेस यानी प्रभावित करना हर उनको इनमें ऑल सभी वेज तरीके आई में कुड सकता था विथ साथ में माई मेरा वर्दीनेस यानी योग्यता और मैं जो है उनको प्रभावित करने के सभी संभव उपायों की तरफ मेरा ध्यान था जिनको मैं अपनी योग्यता के द्वारा उनको प्रभावित कर सकता था। इन द मीन टाइम आई सॉ हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स एंड दैट एडेड जेंटली ग्रेटली टू माई डिसकम्फर्ट। इन द मीन टाइम इसी बीच आई मैं सॉ देखा उनको एडमिटिंग प्रवेश करना देना अदर अन्य स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को। इसी बीच मैंने उन्हें अनेक अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश कर देते हुए देखा एंड और दैट जो एडेड बढ़ा दिया ग्रेटली अधिक माई मेरा डिस्कम्फर्ट परेशानी और इस बात ने मेरी परेशानी को और अधिक बढ़ा दिया। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट। आई मैं फेल्ट महसूस किया डीप डाउन इन माई हार्ट कहने का मतलब मेरा हृदय डूब गया, मैं निराश हो गया। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे इफ आई कुड ऑनली गेट अ चांस टू शो वॉट वॉज इन मी। और कहना है कि दैट की आई मैं कुड सकता था डू करना एज वेल एज दे यानी कि वे एज वेल एज और इफ यदि आई मैं कुड सकना ओनली केवल गेट पाना चांस मौका अवसर शो दिखाना वॉट क्या वॉज था इनमें मी मुझे। कह रहे हैं कि मैं गहरी निराशा में डूब गया और मैं ये विचार करने लगा कि अगर एक बार मुझे मौका मिल जाए यदि एक बार मुझे अवसर मिल जाए तो मैं उन्हें प्रदर्शित कर सकूं कि मेरे अंदर क्या है। तो दैट आई कुड डू एज वेल एज दे उन्होंने कहा कि मैं वैसा ही कर सकता हूं जैसा वे स्टूडेंट कर सकते हैं और मुझे अगर एक बार मौका मिल जाए तो मैं प्रदर्शित कर सकता हूं कि मेरे अंदर कितनी योग्यता है। आफ्टर सम आवर्स हैड पास द हेड टीचर सेड टू मी। आफ्टर बाद में सम आवर्स कुछ समय हेड से क्रिया पास गुजर गया हेड टीचर प्रधान अध्यापिका सेड कहा मी मुझे। कुछ समय गुजरने के बाद प्रधानाध्यापिका ने मुझसे कहा द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट। एडजॉइनिंग साथ में लगा हुआ रेसिटेशन रूम अध्ययन का कक्ष वाचन कक्ष जिसे कहते हैं वाचनालय नीड्स आवश्यकता है स्वीपिंग साफ सफाई की। कह रहे साथ में जो लगा हुआ वाचनालय उसे साफ सफाई की आवश्यकता है टेक द ब्रूम ये झाड़ू लो ब्रूम माने झाड़ू एंड और स्वीप साफ करो इट से ये झाड़ू लो और इस कमरे को जाकर साफ करो। इट अकर्ड मी टू मी एट वंस दैट हियर वाज माय चांस। इट अकर्ड टू मी यानी मेरे मन में विचार आया एट वंस तुरंत दैट कि हियर यहाँ वाज था भाई मेरा चांस अवसर और मेरे मन में तुरंत विचार आया कि ये मुझे एक अवसर प्रदान किया गया है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट। नेवर कभी नहीं डिड सा आई मैं रिसीव प्राप्त किया एन एक ऑर्डर
आदेश विद साथ में मोर अधिक डिलाइट प्रसन्नता, और मैंने कभी भी इतनी प्रसन्नता से और किसी भी आदेश को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। आई स्वेप द रेसिटेशन रूम 3 times। आई मैं स्वेप साफ किया रेसिटेशन रूम वाचनालय 3 times, 3 बार मैंने 3 बार वाचनालय साफ किया। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, देन तब आई मैं गॉट पाया डस्टिंग क्लॉथ, यानी जो साफ करने के लिए कपड़ा होता है। तब पोछा, तब मैंने पोछा पाया। एंड आई डस्टेड इट 4 times, एंड और आई मैं डस्टेड साफ किया इट इसे 4 times, और मैंने 4 बार इसे साफ किया। ऑल द वुडवर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच टेबल एंड डेस्क, ऑल सभी वुडवर्क लकड़ी का काम अराउंड चारों और वॉल्स दीवारें, दीवारों पर जो लकड़ी का काम हुआ था उसको, एवरी बेंच प्रत्येक बेंच को, टेबल को मेज को मतलब, एंड और डेस्क को जिस पर बैठकर पढ़ाई की जाती है, इन सबको मैंने साफ किया। आई वेंट ओवर 4 times विद माई डस्टिंग क्लॉथ, आई मैं वेंट गया ओवर ऊपर 4 times, 4 बार विद साथ में माई मेरा डस्टिंग क्लॉथ, वही साफ करने वाला कपड़ा, पोछा, मैंने पोछा के द्वारा इन सबको 4 बार साफ किया। Besides, every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. Besides, इसके अलावा every प्रत्येक पीस टुकड़ा ऑफ काकी के फर्नीचर फर जो फर्नीचर वहाँ लगा हुआ था उसके प्रत्येक भाग को मैंने साफ़ किया। Had been साइक्रिया moved हिलाए, यानी कि मैंने जो है बिना किसी फर्नीचर को हिलाए मैंने उसको साफ़ किया। एंड और एवरी प्रत्येक क्लोजेट जो दीवार में अलमारी होती है उसे क्लोजेट कहते हैं, और मैंने प्रत्येक अलमारी को साफ़ किया। एंड और कॉर्नर कोना साफ़ किया इन द रूम, और कमरे में प्रत्येक कोने को साफ़ किया। हैड बीन थ्रूली क्लीन, हैड बीन साफ किया थ्रूली पूरी तरीके से क्लीन सफाई की, और मैंने इन सब चीज़ों की पूर्ण रूपेण सफाई की। I had the feeling that in a large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. I made a great feeling महसूस किया that कि इनमें large measure यानी बहुत बड़ी मात्रा में माई मेरा future भविष्य depend निर्भर करता था upon ऊपर impression प्रभाव I में made बनाया upon ऊपर teacher इनमें cleaning साफ करना of काके के that room उस कमरे को। मैंने तुरंत महसूस किया कि उस कमरे की जो सफाई है वो बहुत अधिक अध्यापिका के ऊपर मेरे प्रभाव को जो है बनाएगी, यानी कमरे की सफाई के ऊपर मेरा भविष्य निर्भर करता है। When I was through, I reported to the head teacher. When जब आई मैं वास्ता थ्रू पूरी समाप्त कर लिया, I reported सूचना दी head teacher. जब मैंने कार्य पूरी तरीके समाप्त कर लिया तब मैंने मुख्य अध्यापिका को सूचना दी। She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt. शिवा वास थी एक यंकी जो उत्तरी अमेरिका जो है USA है उसके जो नॉर्थ जो स्टेट हैं उत्तरी अमेरिका के जो राज्य हैं उसमें रहने वाले लोगों को यंकी कहते हैं। वुमन स्त्री हो जो न्यू जानती थी जस्ट बस वेयर कहाँ लुक देखना फॉर के लिए डर्ट धूल। कह रहे हैं वह एक यंकी वुमन थी और वो अच्छी तरीके से जानती थी कि धूल को कहाँ पर पाया जा सकता है। She went into the room and inspected the floor and closet. Shiva went into my room कमरा and or inspected निरीक्षण किया floor, फर्श and or closet अलमारी। वे कमरे के अंदर गई और उन्होंने फर्श और अलमारियों का निरीक्षण किया। Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork about the walls and over the table and benches. Then तब Shiva took लिया उनका handkerchief जिसे आप हैंकी भी बोलते हैं रुमाल and or rubbed रगड़ा it is on पर woodwork लकड़ी का काम about वॉल्स दीवार के चारों ओर जो था एंड और ओवर ऊपर टेबल मेज एंड और बेंचेस। और तब उन्होंने अपना रुमाल जो है लकड़ी का काम जिस पर हुआ था उस पर मेज पर और बेंचेस पर रगड़ा रुमाल को। व्हेन शी वाज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट ऑन द फ्लोर और अ पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर शी क्वाइटली रिमार्क्ड व्हेन जब शिवा वाज दी अनेबल असमर्थ फाइंड पाना वन एक बिट टुकड़ा ऑफ काके के डर्ट धूल ऑन पर फ्लोर फर्श और या पार्टिकल कण ऑफ काके के डस्ट धूल ऑन पर एनी किसी ऑफ काके के फर्नीचर शिवा क्वाइटली शांतिपूर्वक रिमार्क्ड टिप्पणी की। और जब उन्होंने फर्श पर धूल का एक भी कण पाने में वो असमर्थ हुई या वो किसी भी फर्नीचर पर धूल का किसी भी कण पाने में जब असमर्थ हो गई
तब उन्होंने शांतिपूर्वक टिप्पणी की, आई गेस यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन, आई मैं गेस समझती हूँ यू आप विल साइक्री डू करना एंटर प्रवेश करना दिस इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था। तो उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ कि आप इस संस्था में प्रवेश करेंगे। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ, आई मे वॉज द वन एक हैप्पीएस्ट सबसे प्रसन्न सोल्स आत्मा ऑन पर अर्थ पृथ्वी, मैं इस पृथ्वी पर सबसे प्रसन्न व्यक्ति था, मेरी आत्मा सबसे अधिक प्रसन्न थी। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, द स्वीपिंग सफाई ऑफ काकी के दैट रूम उस कमरे का वॉज था माई मेरा कॉलेज एग्जामिनेशन यानी कॉलेज की परीक्षा, उस कमरे की सफाई मेरी कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, आई मैं ऐसा किया पास किया सेवरल अनेक एग्जामिनेशन परीक्षाएँ सिंस देन, तब से मैंने तब से अनेक कॉलेज की परीक्षाएँ पास की, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास, बट किंतु आई मैं ऐसा किया ऑलवेज हमेशा फेल्ट महसूस किया दैट कि दिस या वॉज द बेस्ट सबसे अच्छा वन एक आई मैं एवर कभी पास किया, किंतु मैंने हमेशा ये महसूस किया कि ये मेरी सर्वोत्तम परीक्षा है, जितनी भी परीक्षाएं मैंने पास की उनमें मेरी सर्वोत्तम परीक्षा है जो मैंने कभी पास की थी। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है, आप अच्छी तरीके से इसका अध्ययन कीजिएगा, उसके बाद जो है अब आपको पोएट्री पढ़ाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।